और वेजिटेरियन रेसिपीज, अलग अलग क्यूजिन की रेसिपीज, मीठी मसालेदार यूनिक सी रेसिपीज के लिए आप मेरी चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर से क्लिक कीजिए ताकि जब जब मैं नए वीडियोस डालूंगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वेलकम टू अल्पाहार, मेरा नाम अल्पा शाह है। अक्सर हमें शाम की जब छोटी सी भूख लगती है तो हफ्ते में 3 नहीं तो 4 दिन तो हम सूखी बेल ही खाते हैं, और वो भी ठेले वाले की सूखी बेल, जो सूखी चटनी तीखी वाली मजेदार चटाकेदार चटनी डाल के जब देता है मुंह में पानी आ जाता है, बोलते बोलते ही मुंह में पानी आ जा रहा है। उसे हम मिस कर रहे हैं, लेकिन मैं आज उसका सॉल्यूशन लेके आई हूँ। मैं आज सूखी बेल की वही सूखी चटनी, जैसे ठेले वाले की होती है बिल्कुल वैसी ही चटनी कैसे बनाई जाती है उसकी रेसिपी लाई हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक मिक्सी जार ले लिया है, और ये मैंने आधा कप भुना हुआ चना छिलके के साथ ही ले लिया है, वो डाल देंगे। अगर आपके पास भुना हुआ चना नहीं है तो आप जो रोस्टेड चना दाल यानी कि दालिया होता है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये मैंने 15 तीखी वाली हरी मिर्च ली है। ये सूखी चटनी अगर तीखी ना हो तो मजा ही नहीं आता। 1 टेबलस्पून जितना हरा धनिया है जिसे धो के मैंने अच्छे से सूखा लिया है, क्योंकि इस चटनी को हमें थोड़े दिन स्टोर भी करनी है। 10 कड़ी पत्ते के पान है। 1 टेबलस्पून भेल की जो सेव है नॉर्मल वही है, ये अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, इसके बिना भी बना सकते हैं। 1 टेबलस्पून आमचूर पाउडर खट्टापन चटाकेदार लाने के लिए, और नमक। अब इसे बिना पानी डाले हमें दरदरा सा पीस लेना है, पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है। ये देखिए मैंने पीस लिया है, हम चेक कर लेंगे। वही सुगंध आ रही है, ये देखिए मजेदार, वैसे ही आपको कलर देख के ही पता चल रहा होगा, एकदम परफेक्ट ठेले वाले का यहाँ की सूखी चटनी, जिससे हम बहुत सी चाट बना सकते हैं। सूखी भेल की सूखी चटनी देखिए इतनी टेम्पटिंग लग रही है। अक्सर हम सूखी भेल ही खाते हैं, लेकिन आज मैं इसमें से ककड़ी की चाट बनाने वाली हूँ। बहुत ही डिलीशियस और टेम्पटिंग लग रही है। इसके लिए मैंने एक ककड़ी ले ली है, और इसे छील के थोड़ा सा बीच में बीज का पार्ट जो होता है उसे मैंने निकाल लिया है। अब मैं आपको चाट के लिए अलग अलग जो मैंने चीजें रेडी की है वो बता देती हूँ। सेव ली है, ये मैंने काला नमक और लाल मिर्च, 1 टीस्पून काला नमक और 1/4 टीस्पून लाल मिर्च को मिक्स करके रखा है। ये सूखी चटनी, नींबू, मसाला सिंह, धनिया, टमाटर की स्लाइस और थोड़ी सी चना दाल तली हुई। चाट में तो आप घर में जो भी चीजें अवेलेबल हो वो ऐड कर सकते हैं, जैसे कच्ची केरी है, दाड़म के दाने, बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं अपने मनपसंद की। अब सबसे पहले मैं हाथों से ही बनाऊंगी, हाथ मैंने अच्छे से धो लिए हैं। चाट का मजा हाथ से बनाए हुए इस तरह से ही मजा आता है। इस तरह से स्कूप की हुई ककड़ी के ऊपर सबसे पहले जो हमने ये मसाला काला नमक और लाल मिर्च है उसे डाल देंगे। इस तरह से डालने के बाद थोड़ी सी ये सूखी चटनी, उसके बाद थोड़ा सा नींबू का रस, थोड़े से मसाला सिंह। अगर आप लहसुन और प्याज खाते हैं तो इसमें यही स्टेज पे आप लहसुन की चटनी और प्याज डाल सकते हैं। मैं ये जैन वर्जन बना रही हूँ, उसके ऊपर थोड़ा सा धनिया,
धने के बिना चाट अधूरी है। थोड़ी सी सेव डालेंगे, फिर से थोड़ी सी सूखी चटनी, उसके ऊपर मैं टमाटर की स्लाइस रखूंगी। काला नमक और लाल मिर्च थोड़ी सी टमाटर के ऊपर, थोड़ी सी सूखी चटनी। अगर मुंह में से थोड़ा सा तीखे का ऐसा चटकारा जैसा ना निकले तब तक ये सूखी चटनी खाने का मजा नहीं आता। फिर से थोड़ा सा हम धनिया डालेंगे, थोड़ी सी सेव। ये देखिए, आप चाहे तो इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं। यहाँ पे भी टमाटर रख के ये एक ओपन सैंडविच जैसे बनाते हैं, वैसे ये ओपन चाट ककड़ी की इस तरह से भी आप सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे अलग तरह से सर्व करने वाली हूँ। मैं दोनों को इस तरह से जोड़ दूंगी पहले। इस तरह से करने के बाद हम इसके पीसेस काट लेंगे। देखिए, मैं आपको पीस उठा के दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी मजेदार लग रही है, और चाट का मजा सब फैमिली के साथ बैठ के जरूर से लीजिएगा। और कमेंट्स में आप जरूर से बताइए कि आपने इस सूखी चटनी के साथ कौन सी चाट बनाई है। थैंक यू।